Business News is brought to you by Winner Institute. नमस्कार, मैं भाग्यश्री। बिजनेस न्यूज के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। गूगल करेगी पिक्सल स्मार्टफोन का निर्माण। गूगल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रिक ओस्टरलो ने गूगल फॉर इंडिया कार्यक्रम में कहा। 4 वर्षों में तीसरी बड़ी इकोनॉमी होगी भारत, $7 लाख करोड़ की हो जाएगी अर्थव्यवस्था। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के कमजोर रुख और विदेशी फंड्स की निकासी के बीच घरेलू शेयर बाजार में गुरुवार को लगातार दूसरे दिन गिरावट आई है। सेंसेक्स 248 अंक टूटकर 65,629 पर और निफ्टी 46 अंकों की गिरावट के साथ 19,625 पर बंद हुआ है। विप्रो के शेयर में सबसे ज्यादा करीब 3% गिरावट आई है। टेक महिंद्रा, NTPC, भारतीय एयरटेल, सन फार्मा, टाटा स्टील, TCS, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर भी नुकसान में रहे। वहीं नेस्ले के शेयर में करीब 4% का उछाल आया है। NSDL की आंकड़ों के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों FPI ने गुरुवार को भारतीय बाजार से 1,761.86 करोड़ रुपए के शेयरों की बिकवाली की। सर्च इंजन कंपनी गूगल भारत में पिक्सल सीरीज के स्मार्टफोन का निर्माण करेगी जो 2024 से उपलब्ध होंगे। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी है। गूगल के डिवाइस व सर्विसेज के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रिक ओस्टरलो ने कहा कि कंपनी भारत में फोन बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय निर्माताओं के साथ साझेदारी करेगी। ओस्टरलो ने यह गूगल फॉर इंडिया कार्यक्रम में कहा कि हम भारत में गूगल पिक्सल सीरीज के स्मार्टफोन का निर्माण शुरू करेंगे। उन्होंने दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी में यह घोषणा की है। डाबर इंडिया की 3 विदेशी अनुषंगी कंपनियां अमेरिका तथा कनाडा में उनके हेयर रिलैक्सर उत्पादों से गर्भाशय कैंसर और अन्य संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होने के आरोप में मुकदमों का सामना करी है। कंपनियों पर अमेरिका और कनाडा में संघीय तथा राज्य अदालतों में कई मुकदमे दायर किए गए हैं। ये अनुषंगी कंपनियां नमस्ते लैबोरेटरीज LLC, डर्मो विवास केन एसेंशियल इंक और डाबर इंटरनेशनल लिमिटेड है। डाबर इंडिया ने देर रात शेयर बाजार को दी जानकारी में कहा कि अमेरिका और कनाडा में संघीय और राज्य दोनों अदालतों में मुकदमे दायर किए गए हैं। कंपनी ने बताया कि मल्टी डिस्ट्रिक्ट लिटिगेशन में करीब 5,400 मामले हैं, जिनमें नमस्ते दर्मोविवा और DINTL के साथ कुछ अन्य उद्योग कंपनियों को प्रतिवादी के रूप में बनाया गया है। हेयर रिलैक्सर उत्पादों को लेकर कुछ उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया है कि इसमें ऐसे रसायन हैं जिसके इस्तेमाल से गर्भाशय कैंसर और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। सरकार ने जून में समाप्त फसल वर्ष 2022 और 23 के लिए गेहूं उत्पादन का अनुमान 11.05 करोड़ टन कर दिया जो नया रिकॉर्ड है। फसल वर्ष 2021-22 जुलाई जून में देश का वास्तविक गेहूं उत्पादन 10.77 करोड़ टन रहा था। मंत्रालय कटाई के विभिन्न चरणों में अंतिम अनुमान से पहले 3 अनुमान जारी करता है। फसल वर्ष 2022 और 23 के लिए खाद्यान्न उत्पादन के अंतिम अनुमान के अनुसार गेहूं उत्पादन ने 11.05 करोड़ टन का नया रिकॉर्ड बनाया है। हालांकि यह इसी फसल वर्ष के 11.27 करोड़ टन के तीसरे अनुमान से 21.9 लाख टन कम है। विदेशी बाजारों की गिरावट के दबाव में आज दिल्ली थोक बाजार में आज खाद्य तेल समेत सभी जिंसों में टिकाव रहा। वैश्विक स्तर पर मलेशिया के बुर्सा मलेशिया डेरिवेटिव एक्सचेंज में नवंबर का पाम ऑयल वायदा 56 रेटिंग गिरकर 3,713 रेटिंग प्रति टन पर आ गया। इसी तरह नवंबर का अमेरिकी सोया तेल वायदा 0.45 सेंट की गिरावट लेकर 54.41 सेंट प्रति पॉट बुला गया। इस दौरान घरेलू बाजार में खाद्य तेलों में टिकाव रहा है। सरसों तेल, मूंगफली तेल, सूरजमुखी तेल, सोया रिफाइंड पाम ऑयल और वनस्पति तेल के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मीठे के बाजार में स्थिरता रही। इस दौरान चीनी के भाव पिछले कारोबारी दिवस के स्तर पर पड़े रहे। दाल दलहन बाजार में टिकाव रहा। इस दौरान चना, दाल चना, अरहर दाल, मसूर दाल, मूंग दाल और उड़द दाल में कोई बदलाव नहीं हुआ और वे पिछले कारोबारी दिवस के स्तर पर टिके रहे। अनाज मंडी में भाव स्थिर रहे। इस दौरान चावल और गेहूं के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। भारत का निर्यात इस समय $500 अरब से भी कम है, लेकिन इसके बढ़कर $1 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था आने वाले सालों में तेजी से बढ़ेगी। देश 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। JP Morgan के एशिया पैसिफिक इक्विटी रिसर्च के डायरेक्टर जेम्स सुलियान का दावा है कि 2030 में भारत की अर्थव्यवस्था का आकार बढ़कर $7 लाख करोड़ हो जाएगा।
उन्होंने एक बातचीत में कहा कि भारत के निर्यात में तेजी से बढ़ोतरी होगी। फिलहाल भारत का निर्यात 500 अरब डॉलर से कम है और इसे बढ़कर 1,00,000 करोड़ डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि भारत की जीडीपी का आकार बढ़ने में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बड़ा हाथ होगा। अभी भारत की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी 17% है, इसके 25% तक पहुंचने का अनुमान है। जेम्स सुलिवान ने कहा कि कई चीजें लंबी अवधि के लिए भारत के मजबूत होने का संकेत दे रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था के ओवरऑल स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव आने वाला है, ऐसे में कई सेक्टर के लिए बड़े मौके होंगे। हमारा मानना है कि भारत मजबूत बाजार होगा। इस महीने की शुरुआत में बार्कलेस ने कहा था कि अगर भारत ग्लोबल ग्रोथ का इंजन बनना चाहता है तो उसे सालाना 8% की वृद्धि हासिल करनी होगी और चीन से आगे निकलना होगा। खबरें समाप्त करने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। गूगल करेगी पिक्सल स्मार्टफोन का निर्माण, गूगल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रिक ओस्टरलो ने गूगल फॉर इंडिया कार्यक्रम में कहा। 4 वर्षों में तीसरी बड़ी इकोनॉमी होगी भारत, 7,00,000 करोड़ डॉलर की हो जाएगी अर्थव्यवस्था। बिजनेस समाचार में फिलहाल इतना ही, ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए इन बिजनेस न्यूज़। नमस्कार।